जब भी मैं अपने पति को गुलाब जामुन वाले रसगुल्ले खिलाती तो मेरा पति मुझे तलाक दे देता। और ऐसे ही मेरी 3 बार शादी हुई और जब भी मैं अपने पति को गुलाब जामुन खिलाई तो वो मुझे अगली सुबह तलाक दे देता। 4 अप्रैल 2024 को मेरी कहानी की शुरुआत होती है, जब मेरी पहली शादी हुई थी और मैं बहुत अच्छे से तैयार होकर बैठी ही थी कि तभी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सलोनी है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबको कुछ अपने बारे में बता दूं, तब ताकि आपको ये कहानी सुनने में और भी आसानी हो जाएगी। मेरी उम्र अभी 19 साल थी। मेरा रंग रूप थोड़ा सांवला था, इसीलिए मेरा नाम सलोनी पड़ा। लेकिन कोई भी मुझे देखता तो वो मेरे ऊपर आकर्षित हो जाता, क्योंकि मेरा रंग सांवला था लेकिन मैं बहुत ही खूबसूरत दिखती थी। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 19 साल की थी, लेकिन मैं दिखने में 20-21 साल की ही लगती थी। सब लोग मुझे देखते ही रह जाते थे। दोस्तों, ये तो रहा मेरे बारे में, लेकिन अब कहानी की शुरुआत करते हैं। जब मेरी 3 शादियां हुई और तीनों पति को जब मैंने अपने हाथों से गुलाब जामुन खिलाया तो उन तीनों ने मुझे तलाक दे दिया। शुरुआत करते हैं जब मेरी पहली शादी हुई थी। वो लड़का बिजनेसमैन था, मतलब उसका खुद का दुकान है। जब मेरी शादी हुई तो मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता कैसे लोग होंगे, मतलब बहुत कुछ अरेंज मैरिज में तो ऐसा ही होता है कि अंदर से अलग ही घबराहट होती है। लेकिन वो लोग इतने अच्छे थे क्योंकि उन लोगों ने कोई दहेज वगैरह नहीं मांगा था, तो बस ऐसे ही शादी हो गया। और बस लड़कियों को सामान दिया जाता है, जैसे उसकी ज़रूरत का सामान जितना भी होता है उतना मुझे मेरे परिवार वालों ने दिया था। लेकिन मेरे घर पर ये रिवाज था कि जब मैं शादी करके वहाँ पर जाऊँगी तो मुझे अपने हाथों से गुलाब जामुन को मेरे पति को खिलाना पड़ेगा। शादी के बाद जब मैं ससुराल पहुँची तो वहाँ पर मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है। और जब मैं अपना पहला कदम आगे बढ़ाई तो सबने मुझे लक्ष्मी की तरह आदर और प्यार से मुझे अपने घर में स्वागत किया। मैं बहुत ही ज़्यादा गोरी तो नहीं थी, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा काली भी नहीं थी, मतलब सांवली थी, तो इसीलिए मेरा नाम सलोनी पड़ा। खैर, जब मैं अपने ससुराल गई तो वहाँ पर पूजा हुआ, फिर उसके बाद देखते ही देखते रात हो गया। और फिर मुझे कुछ लोग, मतलब उनकी बड़ी दीदी और उनकी भाभी मिलकर उनके कमरे में बैठा देती हैं, फिर वो चली जाती हैं। मैं कमरे में बिल्कुल अकेली थी और अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। इतना तो मुझे भी पता था कि हाँ, पति आएंगे, क्योंकि ये उन्हीं का कमरा था, तो फिर इसीलिए मैं भी उनका इंतज़ार कर रही थी। उनकी भाभी ने मुझे एक दूध का गिलास भी दिया था उनको पिलाने के लिए, लेकिन मैं अपने घर से गुलाब जामुन लेकर आई थी क्योंकि मेरे घर पर रिवाज था, मैंने पहले ही बताया था। फिर उसके बाद जब वो आए तो फिर मैंने उनको दूध पिलाने की जगह गुलाब जामुन खाने के लिए दी, तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे दूध क्यों नहीं पिला रही हो और तुम ये गुलाब जामुन मुझे क्यों खिलाना चाहती हो। मैंने उन्हें बताया कि देखिए, मेरे घर पे ये रिवाज है कि पहले आपको ये गुलाब जामुन खाने पड़ेंगे, फिर उसके बाद आप दूध पी सकते हैं, इसे हम लोग की शादी सफल मानी जाती है। मेरे पति एकदम से भड़क उठा और कहने लगा कि क्या तुम मुझ पर कोई जादू टोना तो नहीं करने आई हो यहाँ पर। मैंने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो सिर्फ एक मिठाई है, आप खाकर तो देखें। मेरे पति को ना जाने मुझ पर क्यों अजीब सा शक होने लगा, लेकिन सच मानिए, मेरी तरफ से ऐसा कोई भी मसला नहीं था। उन्होंने तुरंत मेरे मम्मी पापा को फोन लगाया और कहने लगे कि आपकी ये लड़की क्या रिवाज लेकर आई है कि पहले गुलाब जामुन खाना पड़ेगा, क्या इसने कुछ जादू टोना कर दिया है कि मैं इसे खाऊं और मेरा दिमाग घूम जाए। मेरे मम्मी पापा ने कहा, क्या मेरी बेटी ऐसा कर रही है, मुझे कुछ पता ही नहीं। मेरे मम्मी पापा सब इस बात से पलट गई, क्योंकि मेरे घर पर एक और रिवाज था, ये बात सिर्फ जो लड़की है वही अपने पति को खिला सकती है, अगर वो पकड़ी जाए तो अपनी मम्मी पापा को बीच में नहीं लाना पड़ता है, नहीं तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इसीलिए मेरे मम्मी पापा ने डायरेक्ट कह दिया कि नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं पता है। जब ये बात मेरे पति ने सुना तो उसने मुझे तुरंत तलाक दे दिया। मैं अपने घर आई तो फिर वहाँ पर मुझे आस पड़ोस के लोग कहने लगे कि अच्छा, ये तो शादी करके गई थी वहाँ पर जादू टोना करने, अपने पति को अपने वश में करने, मतलब बहुत से मेरे नाम रख दिए गए थे। लेकिन फिर भी मुझे देखकर, क्योंकि मैं थोड़ा आकर्षित दिखती थी, मुझे हर कोई देखता ही रह जाता था, इसीलिए मेरी दूसरी शादी भी हुई। जब मेरी दूसरी शादी हुई तो मेरा पति मेरा दीवाना था, क्योंकि वो खुद ही रिश्ता लेकर आया था, उसे कुछ भी फर्क नहीं था कि लोग मुझे क्या बोलते हैं और क्या नहीं, लेकिन उसे ये भी बात नहीं पता था कि मेरे घर पे क्या रिवाज है और क्या नहीं। उन्हें बस इतना पता था कि जादू टोना करेगी और अपने पति को अपने बस में कर लेगी। तो मेरे दूसरे पति को लगा था कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ तो शायद इसीलिए सब लोग मुझे ऐसा बोलते होंगे। उन्हें इस बात का ज़रा सा भी खबर नहीं था कि मैं उन्हें रात को गुलाब जामुन खिलाने वाली हूँ। अब मैं अपने 2 गुलाब जामुन तैयार रखी थी, मैं वो अपने बैग में डालकर लेकर आई थी।
जब मैं वहां गई तो फिर से वही मेरे साथ हुआ। उन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया क्योंकि उनका लड़का खुद ही मुझ पर दीवाना हो बैठा था। फिर मैं गई तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से स्वागत किया, खिलाया पिलाया। फिर वही बात हुई कि रात हुआ, लेकिन यहाँ पर उनकी भाभी नहीं उनकी मम्मी खुद ही मुझे कमरे तक बैठाने आई क्योंकि उनके घर पर उनका इकलौता बेटा था। फिर जब मैं कमरे में गई तो फिर अपना गुलाब जामुन निकाल कर बगल में रख ली और फिर मैं अपने पति का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद जब मेरा पति आया तो फिर वो मुझे देखता रहा और उसने कहा कि सलोनी, तुम्हें पता है तुम बहुत ही खूबसूरत हो। मैंने कहा कि नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर वो कहने लगे कि नहीं, ये बात सच है, तभी तो मैं तुमसे शादी किया, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी खूबसूरती की वजह से ही लोग ऐसा कहते हैं कि तुम अपने पति को अपने बस में करने वाली हो। फिर मैंने सोचा कि मैं बिना कुछ छुपाए इनसे सब सच बता देती हूँ। मैंने कहा, देखिए जी, मेरे घर पे एक रिवाज है कि आपको ये गुलाब जामुन खाने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप मुझे कुछ कर सकते हैं। तो वो भी हैरान हो गए और कहने लगे, पर तुम मुझे गुलाब जामुन क्यों खिलाना चाहती हो? मैंने सुना कि पहली रात को तो दूध पिलाया जाता है, और अगर तुम्हें कुछ करना ही था तो तुम दूध पिलाकर भी उसमें कुछ डालकर कर सकती थी, लेकिन तुम गुलाब जामुन क्यों खिला रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आया और वो भी मुझ पर चिल्लाने लगे, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर कोई जादू टोना हो जाए। फिर वो अपना होश खो बैठे। उन्होंने कहा, सलोनी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारे भोलेपन से प्यार किया, लेकिन तुमने तो मेरे साथ वही किया जो तुमने अपने पहले पति के साथ किया। ऐसे तो तुम्हारी कोई भी शादी नहीं हो पाएगी। इतना बोलकर वो मेरे मम्मी पापा को फोन लगाया और पूछा कि क्या आपके घर पर ऐसा रिवाज है। फिर मेरे मम्मी पापा ने वही बात कहा, नहीं बेटा, ऐसा तो कोई बात नहीं है। क्या सलोनी ऐसा कर रही है? अच्छा, आप उसे फोन दो, सलोनी ये सब क्या चल रहा है? बताओ, तुम पहली शादी में भी तुमने ये किया और दूसरी शादी में भी ऐसा, तुम क्या चाहती हो बेटा? तुम चाहती नहीं कि तुम्हारा घर परिवार अच्छे से चल पाए? मुझे सच सच बता दो, अगर तुम्हारे बस की बात नहीं है तो हम तुम्हें अपने घर पर ही बैठाकर खिला पिला लेंगे, लेकिन ये काम तो मत करो। फोन स्पीकर पर था और शायद मेरे मम्मी पापा ये बात जान रहे थे, इसीलिए उन लोगों ने ऐसा बोला। फिर मैंने कहा कि ठीक है मम्मी, मैं आपके पास ही आ रही हूँ, और मुझे भी शादी नहीं करनी है क्योंकि मैं भी अब तंग आ गई हूँ और लोग मुझे समझने की जगह मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरे पति ने मुझे एक बार भी नहीं रोका और फिर अगले सुबह जब मैं अपने घर गई तो मुझे डाइवोर्स पेपर मेरे घर तक पहुंचा दिया। मैंने भी उस डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिया क्योंकि मुझे भी ऐसे लोग के साथ नहीं रहना जो मुझे गलत देख रहे हों। बस मेरे घर पे ये ऐसा रिवाज ही है। मुझे चिढ़ होने लगा था, पता नहीं क्यों ये रिवाज बनाया गया और कैसे मैं इसको निभा पाऊंगी। क्या मैं कभी अपना घर नहीं बसा पाऊंगी या फिर ऐसे ही कुंवारी बैठी रह जाऊंगी? दोस्तों, फिर 2 महीने बाद ही मेरी मम्मी के दोस्त ने मेरी शादी एक शहर वाले लड़के से लगवाई। तो फिर जब मैं वहाँ पर गई तो वहाँ के लोग बहुत खुले विचार के थे। उन्होंने मुझे तुरंत कहा कि अरे यार, तुम ये चेंज कर लो और जाकर थोड़ा कंफर्टेबल ड्रेस पहन लो, ठीक है? मैंने कहा, यार ये लोग तो कितनी केयर करते हैं, मतलब मेरी सासू माँ भी बहुत ज़्यादा ओपन माइंड की थी। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, तुम्हें यहाँ पर टेंशन लेने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ पर जींस पहनो, टॉप पहनो या फिर शॉर्ट पहनो, बस तुम्हें अच्छे से रहना है। हम लोग की थोड़ी सी बात भी सुननी है, अगर हम कुछ कह दें तो उसको तुम दिल पर ना लेना क्योंकि हम लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं, और तुम भी हमें बोल सकती हो क्योंकि हम लोग बातों को दिल पर नहीं लेते क्योंकि तुम हमारी बेटी जैसी हो, और ऐसा तो हमारी बेटी भी हमें कुछ भी बोल सकती है। मैंने कहा कि मम्मी धन्यवाद, आपकी जैसी सासू माँ तो बहुत नसीब से ही मिलती हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि आप जैसी सास भी मिलेगी, लेकिन मुझे क्या पता था, इस लड़के की 3 शादियाँ हो चुकी थी, मेरे साथ उसकी 4थी शादी थी। शायद इस लड़के में कोई कमी थी या फिर मुझ में कोई कमी थी, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मुझे बाद में पता चला क्योंकि उसकी छोटी बहन मतलब मेरी ननद ने मुझे बताया कि आप तो मेरी 4थी भाभी हो क्योंकि मेरे भैया की तो 3 शादी पहले हो चुकी है, लेकिन चारों भाभी छोड़कर चली गईं। अब पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप मतलब आपका नेचर मुझे बहुत ही पसंद आया। मैंने कहा कि ठीक है। फिर मैं उसकी बातों को रात भर सोचती रही थी, मतलब इसमें कोई कमी है या फिर मुझ में। मैं ये बात सोच ही रही थी कि कुछ देर में मेरा पति आया। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि अच्छा जी, आप बैठो, आप दूध पियेंगे या फिर मिठाई खाओगे? उसने मुझे कहा कि चलो मिठाई खिला दो। मुझे लगा कि वो मिठाई की बात कर रहे हैं, लेकिन वो तो शायद मेरी बात कर रहे थे। तो मैंने कहा कि देखो जी, आपको पहले गुलाब जामुन खाना पड़ेगा क्योंकि मेरे घर पे यही रिवाज है कि अगर आप पहले गुलाब जामुन खाओगे तभी आप मेरे साथ कुछ कर सकते हो, मतलब फिर आप अपना पति धर्म निभा सकते हो।
तो फिर उसने कहा कि अच्छा ऐसा है क्या, लेकिन मैं ये गुलाब जामुन नहीं खाऊंगा, मैं तो दूध पी लूंगा। तो फिर मैंने कहा कि तब फिर आपको मुझे छोड़ना होगा। उसने कहा कि ठीक है जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी मेरी ये चौथी शादी है और मैं भी देख लूंगा कि तुमसे अब कौन शादी करेगा, क्योंकि तुम्हारी भी ये कोई पहली शादी नहीं है बल्कि ये तुम्हारी तीसरी शादी है, इसके बाद कोई चांस ही नहीं बनता, सब यही सोचेंगे कि तुम में ही जरूर कोई कमी है। मैंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आप मुझे तलाक दे दो। जब मैं अपने घर आई तो मेरे बारे में इतनी गंदी बातें फैल चुकी थी कि मैं अपने पति को अपने बस में करना चाहती हूँ ऐसा वैसा, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। फिर मैंने फैसला किया कि मैं ये सब छोड़कर और अपनी ज़िंदगी बनाऊंगी। मैं पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज़ थी, तो फिर मैंने अपने पढ़ाई पर ध्यान दिया और फिर मैं एक टीचर बनी। उसके बाद से तो रिश्ते खुद ही मेरे पास आने लगे, लेकिन जब रिश्ते आए तो मैंने पहले ही उन्हें बता दिया कि देखो जी मेरे घर पे ये रिवाज है कि आपको गुलाब जामुन खाने पड़ेंगे, अगर आपको ये रिश्ता मंजूर है तो आप मुझसे शादी कर सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं करिए। तो फिर मुझे एक लड़का मिला जिसने इस बात को समझा और फिर वो गुलाब जामुन खाए। वो लड़का एक पायलट था और मुझे बहुत चाहने लगा था। ये कैसे और कब शुरू हुआ ये तो मुझे भी नहीं पता, फिलहाल तो मेरी शादी हो चुकी है और वो लड़का गुलाब जामुन भी खा लिया था। तो अब मेरा घर अच्छे से चल रहा था क्योंकि मेरा पति अपने काम में मस्त और मुझे बहुत प्यार किया करते थे, मैं भी बहुत खुश रहा करती थी। दोस्तों लेकिन एक बात तो है, कभी कभी कुछ पुरानी रीति रिवाज ऐसी भी होती हैं जिसे निभाने की वजह से हम लोग को बहुत कुछ सुनने को मिलता है, जैसे कि हमारे घर पर ये नहीं चलता, हमारे घर पर वो नहीं चलता। इन सब के चक्कर में ना बहुत कुछ हम लोग को झेलना पड़ता है, सुनना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम ये रिवाज चलाते हैं, जैसे कि मैं खुद चलाई। क्या पुरानी रीति रिवाज को चलाना सही है या फिर गलत, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या मैं सही की या फिर गलत, मतलब कि आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मेरे मन में डर हो गया था कि कहीं अगर मैं ऐसा ना करती तो शायद मेरा रिश्ता कहीं अच्छे से ना चल पाता, इसीलिए मैं उस रिवाज को चलाई। तो दोस्तों ये रही मेरी छोटी सी प्यारी सी कहानी, अगर आपको कहानी पसंद आई होगी और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं एक नई कहानी को लेकर, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।